नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एरीन्स लेक्चर सीरीज़ में मैं डॉक्टर भूपेन कुमार शर्मा एरीन्स के बनाने की विधियाँ और उनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम पिछले 4-5 लेक्चर्स से पढ़ रहे हैं। और एरीन्स के बारे में बेंजीन और एल्टोलुइन या एल्किल बेंजीन को बनाने की विधियाँ और उनके गुणधर्मों के बारे में हम पिछले लेक्चर तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्किनाइल बेंजीन। एल्किनिल बेंजीन जो है सामान्यतया उनकी बनाने की विधियाँ और उनके गुणधर्मों के बारे में। एल्किनिल बेंजीन का उदाहरण है स्टाइरीन। एल्किनिल बेंजीन जो है यह भी एक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें बेंजीन वलय के पार्श्व श्रृंखला में द्विबंध युक्त चेन या श्रृंखला उपस्थित होती है। तो द्विबंध युक्त जो श्रृंखला होती है उसके अंदर 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, कोई भी श्रृंखला इस प्रकार से लंबी श्रृंखला हो सकती है। तो ये सारे के सारे जो है वह चूंकि इनके अंदर एल्कीन होता है तो एल्किनल बेंजीन कहलाते हैं। सामान्य नाम इसका सामान्य उदाहरण जो है वह स्टाइरीन जो है वह है। तो हम स्टाइरीन की बनाने की विधियाँ और उसके गुणधर्मों के बारे में इसके उदाहरण के रूप में पढ़ेंगे। स्टाइरीन या एल्किनिल एथिल बेंजीन जो है स्टाइरीन को बनाने के लिए सामान्यतः एल्कीन की प्रोसेस जो होते हैं उन्हीं को काम में हम ले सकते हैं। तो 1,2-विलोपन, 1,2-एलिमिनेशन जो मेथड हैं उनके द्वारा इनको आसानी से बनाया जा सकता है। स्टाइरीन जो है वह कमर्शियली मीन्स औद्योगिक रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंथेटिक या संश्लेषित एरोमेटिक यौगिक है। इसको एथिल बेंजीन के वी हाइड्रोजनीकरण से बनाया जाता है। तो यह जो एथिल बेंजीन है इस एथिल बेंजीन के वी हाइड्रोजनीकरण के लिए हम काम में लेते हैं 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के ऊपर क्रोमिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति के अंदर इसको गर्म किया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर 2 हाइड्रोजन परमाणु मीन्स यहाँ से बाहर निकलते हैं, वी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है और हमें स्टाइरीन जो है या एल्किनिल बेंजीन या इथिन बेंजीन हमें इथिनिल बेंजीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। यह जो एथिल बेंजीन है इसको हम बेंजीन और इथिन के H3PO4 की उपस्थिति में फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो एथिल बेंजीन का वी हाइड्रोजनीकरण या 1,2-विलोपन अभिक्रिया के द्वारा आसानी से स्टाइरीन प्राप्त किया जा सकता है। बनाने की जो दूसरी विधि है स्टाइरीन की वह है वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन जिसको हम कहते हैं। प्रयोगशाला के अंदर 1 फिनाइल 1 क्लोरो एथेन यह जो है इसके अंदर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या वी हाइड्रोहेलोजिनीकरण अभिक्रिया के द्वारा स्टाइरीन बनाई जा सकती है। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए जो अभिकर्मक है वह होता है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तो 1,2-एलिमिनेशन में से यहाँ से एच और यहाँ से हेलोजन निकलता है। तो माइनस ऑफ HCl होने से यहाँ द्विबंध यहाँ बनता है। इस प्रकार से हम इसको स्टाइरीन जो है वो बना सकते हैं। तीसरी जो विधि है वह है निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन। हाइड्रोक्सी जो यौगिक होते हैं इस प्रकार के उनसे हम आसानी से इनको बना सकते हैं। उदाहरण के लिए 1 फिनाइल एथेनॉल का जब निर्जलीकरण कराया जाता है अम्ल की उपस्थिति में तो हमें स्टाइरीन प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 फिनाइल इथेनॉल के अंदर जब प्रोटोनेशन होगा तो यह एच प्लस सबसे पहले इस ओ एच पे जाकर के जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे लोन पे रहे यह ओ एच टू प्लस हो जाएगा। फिर जैसे ही ये ओ एच टू प्लस वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकलता है तो यहाँ धनावेश उत्पन्न होगा और ये सी एच यहाँ पर अपना बॉन्ड दे कर ये एच को एच प्लस के रूप में बाहर निकाल देता है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ से एच बाहर निकलेगा, यहाँ से ओ एच बाहर निकलेगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड इस प्रकार से बनता है। तो यह स्टाइरीन जो है वह निर्जलीकरण अभिक्रिया के द्वारा इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन जो कि यहाँ दिख रहा है इसके वी हाइड्रोहेलोजनीकरण
मीन्स डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इससे या वन फेनिल टू प्रोपेनॉल इसके डिहाइड्रेशन से मीन्स माइनस ऑफ H2O, इन दोनों से हम जो है वह स्टाइरीन बनाने के, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं एल्कीन जो बनेगा फेनिल प्रोपिन वह कौन सी बनेगी उसके स्थायित्व के बारे में यह उदाहरण लिया गया है। तो यह जो है वन फेनिल टू क्लोरोप्रोपेन का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या वन फेनिल टू प्रोपेनॉल का डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण, इनके द्वारा जो एल्किन बनती है यहाँ पर, ये दो प्रकार की यहाँ पर बन सकती है फेनिल प्रोपेन। इसके अंदर आप यहाँ देख रहे हैं कि एक में डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए अगर यहाँ से हैलोजन बाहर निकलता है तो H यहाँ से भी बाहर निकल सकता है, H यहाँ से भी बाहर निकल सकता है। तो अगर यहाँ से बाहर निकलता है इस वाले कार्बन से तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा अर्थात ये वाला, और अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो डबल बॉन्ड इस जगह बनेगा, तो वो इस प्रकार की एल्किन दे सकता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, गलत लिखा गया, थोड़ा सा इसको ध्यान रखें, यहाँ पर CH3 नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 होगा। तो इस प्रकार की दो एल्किन्स यहाँ पर बन सकती हैं। सेम इसी तरह से वन फेनिल टू प्रोपेनॉल में भी OH तो यहाँ से निकलेगा, लेकिन H यहाँ से भी निकल सकता है, H यहाँ से भी निकल सकता है। अगर यहाँ से H निकलता है तो ये वाली एल्किन बनेगी, और यहाँ से H निकलता है तो ये वाली एल्किन बनेगी। लेकिन इन दोनों में अधिक स्थायी जो भी एल्किन होगी, पार्श्व श्रृंखला में डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है, तो वो डबल बॉन्ड यहाँ पर अगर है इस वाले कार्बन पर, तो ये ज़्यादा स्थायी होगा या ये ज़्यादा स्थायी होगा। इन दोनों में से जो भी एल्किन ज़्यादा स्थायी होगी वह मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मुख्य उत्पाद के रूप के अंदर ये वाली एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि ये जो बेंजीन के तीन द्विबंध है उनके साथ में यह जो बंध बन रहा है डबल बॉन्ड, यह संयुग्म बंध में है चूंकि, और इस प्रकार की एल्कीन जो है वह ज़ेडजेव के नियमानुसार अधिक स्थायी होती है, संयुग्म बंध इसके अंदर है इसलिए। जबकि यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड बनता है इस जगह, तो डबल बॉन्ड के बाद फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब यह जो द्विबंध बन रहा है यह बेंजीन के तीनों द्विबंध के साथ में संयुग्म बंध में नहीं होगा। तो इसलिए दोनों ही में से वन फेनिल टू क्लोरोप्रोपेन अगर हम लेते हैं इसके डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से, या वन फेनिल टू प्रोपेनॉल के डिहाइड्रेशन से या निर्जलीकरण से, दोनों एक ही प्रकार का उत्पाद देते हैं, दैट इज वन फिनाइल प्रोपेन। यदि थोड़ी मात्रा में थ्री फेनिल प्रोपेन बनती भी है तो गर्म क्षार की उपस्थिति में स्थायी वन फेनाइल प्रोपीन में परिवर्तित हो जाती है इस प्रकार से। तो इसका मुख्य कारण यह है कि पार्श्व श्रृंखला में उपस्थित द्विबंध का बेंजीन के द्विबंध के साथ में संयुग्मन में होना है। सिनेमिक अम्ल जो है उसको फिनॉल की थोड़ी सी मात्रा के साथ गर्म यदि किया जाता है तो स्टाइरीन बनती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सिनेमिक अम्ल है, इसको किनॉल की थोड़ी सी मात्रा के साथ यदि हम गर्म करते हैं तो बी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, और यहाँ से COOH में से CO2 समूह बाहर इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है, और हमें CH डबल बॉन्ड CH2 ये जो भाग है स्टाइरीन यह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। स्टाइरीन एक रंगहीन द्रव है जिसका क्वथनांक लगभग 145 डिग्री होता है। एल्किनिल बेंजीन के अंदर आज इतना ही, इसके गुणधर्मों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।